गाइस तो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आए हैं मोटो ब्लॉग के बारे में, मोटो ब्लॉग हम करने वाले हैं और हम देखेंगे आज मोबाइल से कैसे मोटो ब्लॉगिंग की जा सकती है। तो आज हम मोटो ब्लॉगिंग करेंगे, तो देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक हेलमेट, एक माइक और एक चिन माउंट, और मैंने चिन माउंट ही फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और हम उसी को ही आज अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कैसा उसका रिस्पॉन्स रहता है और कैसे मोटो ब्लॉगिंग होती है। तो लेट्स गो, आज देखते हैं। जो भी ब्लॉगिंग में चाहिए होता है हमें, तो ये है मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड और ये है हमारा अनबॉक्सिंग जिसमें हम चिन माउंट करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट से मैंने जैसे ये मंगवाया था और ये है मेरा मैनो का क्या बोलते हैं इसको यार, क्या बोला तूने, नाम ही भूल गया, बोलते क्या इसको और ये है हमारा ट्राइपॉड, स्टिक ट्राइपॉड। इससे मैं अपना ब्लॉगिंग जो भी है अपना सारे ब्लॉग इसी से शूट करता हूँ और कभी कभार हम गोरिल्ला ट्राइपॉड भी यूज़ करते हैं। मेरे को नाम इसका अभी भी याद नहीं आया, क्या बोलते हैं इसको, मैं आपको एंड में जरूर नाम उसका बता के जाऊँगा। इसी के बदौलत ही हम जो भी हम बोलते हैं अपने हेलमेट में अपना फिट कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए हम अपना फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगवाया था चिन माउंट, हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो गाइस हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, इसको कर देते हैं साइड में, इसको भी कर देते हैं हम अभी साइड में। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखते हैं कैसा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारा है चिन माउंट, देख सकते हैं सर आप सभी। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी पैकिंग की गई है, जिसके अंदर देता है ये एक्शन प्रो। हम इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसके अंदर नंबर भी दिया गया है। तो ये है मेरा हमारा चिन माउंट, हम इसके अंदर गोप्रो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी गोप्रो नहीं है तो हम अभी मोबाइल से ही शूट करेंगे और मोबाइल से ही देखेंगे इसके अंदर कैसे हम अपना मोटो ब्लॉग कर सकते हैं। तो सो ये है हमारा हेलमेट, हेलमेट इसके अंदर हम लगाएंगे। इसके अंदर हम अपना चिन माउंट लगाने वाले One hour later. तो गाइज देख सकते हैं इतना बहुत अच्छे तरीके से हमारा फिट हो चुका है। तो इसके अंदर हमारा, अब हम इसके अंदर लगा देते हैं इसको। सो गाइज देख सकते हैं हमारा ये फिट हो चुका है। गाइज हम आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइक फिट कर दिया है, तो जिससे हमारी वॉइस एकदम क्लियर। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं ये, जिसके अंदर हमारा मोबाइल फिट होएगा। तो हमारा भी ये बिल्कुल तैयार है मोटो ब्लॉग के लिए। सो गाइज आप देख सकते हैं, सो गाइज देख सकते हैं हमारा मोटो ब्लॉग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हमारा, तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा मोटो ब्लॉग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा हेलमेट। तो हम इस पे हम अपना राइड शुरू कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं
और जैसे मर्जी राइड कर सकते हैं आप, बट थोड़ा ध्यान रखें, बीच से भी बिल्कुल ध्यान से चलाए। ना बोली नहीं बासों ना मायालू बाजन ले तिमी लाई झस्काए कसम नखाए दिउला म बरु तिम्रो लाली ले अंगाली लै जाऊ सिधै ठुक ठुकाउने ठुक ठुकीको बासमै चाहिए जतिले समय तिम्रो बोली आवाजलाई मेरो नाम गाइलबस सिकाउन धैर्य सिकी बसुन् जेलमा केही बेर लागे केही छैन मनलाई मेरो याद आउँदा तिमीले हात यो नचिने अल्झाइ बसौँ माया मेरो कुनै दिन मेरा भाका राखी राख तिम्रो त्यो बिचमै त्यो थाली आफै आफै गुनगुनाउने गीत चाहिँ चाहिए जतिले समय। तो हे गाइस, तो आप देख सकते हैं, तो हमने मोटो ब्लॉगिंग की है वो भी मोबाइल के साथ। तो हम ये देखना, तो आप देख ही चुके होंगे किस तरह से हम मोबाइल के साथ मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम मोबाइल के साथ मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें GoPro वगैरह या आईफोन ही से ही हम मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वो उसके लिए आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए और एक माइक और एक हेलमेट जिसके और एक चिन माउंट जिससे हम ये इनके बदौलत ही हम मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो बस ध्यान में ये रखें कि जिस जो हम बोल रहे हैं वो वॉइस आपके तक एकदम क्लियर आए और हम बहुत ही आसान तरीके से हम मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, थैंक यू। I'm gonna make it.